वालेकुम आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के सभागृह में। सभागृह के बाहर आप यहां एक बैनर देख सकते हैं, RRR। काफी अहम ये प्रोजेक्ट इस समय जारी है केंद्र शासन और राज्य शासन के, जो स्वच्छता को लेकर स्वच्छ भारत मिशन है उसके अंतर्गत ये RRR सेंटर महानगर पालिका खड़े कर रही है। इस RRR का अगर हम मतलब समझना चाहें तो यहाँ पर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। हमारा जो घर का कचरा है, घर का या सोसाइटी का कचरा है, उसमें सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग करके हम उस सूखे कचरे में से अगर फिर से रिसाइकल होने वाली कोई वस्तु है तो उसका उसको किस तरह से रिसाइकल कर सकते हैं, किस तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं, शहर को स्वच्छ कर सकते हैं, ये इसका अहम मोटो है। इसमें महानगर पालिका आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कई मुद्दे इस पर बताया, कई देर तक पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और आयुक्त ने अपने बयान में भी इस चीज को दोहराया है। कहीं ना कहीं हमें भी महानगर पालिका के इस उपक्रम में सहयोग करना चाहिए। सहयोग करने का हमारा यही तरीका है, हमारे पास जो भी ऐसा वेस्ट है पहले तो हम उन वेस्ट को अलग करें, सूखा अलग और गीला अलग, ताकि गीला तो कचरा वो डंपिंग ग्राउंड में जाना ही है, लेकिन सूखे कचरे में अगर ऐसी कोई संभावना वाली चीज है कि उसको रिसाइकिल किया जा सकता है तो वो रिसाइकिल की जाए और उससे कहीं ना कहीं कुछ खूबसूरत या बेहतरीन चीजें वापस से बनाई जा सके। आजकल हम देखते हैं यूट्यूब हर एक के पास है और यूट्यूब में कई ऐसे वीडियो जहां रिसाइकिलिंग से बहुत अच्छी अच्छी चीजें घरों को सजाने संवारने के लिए बनाई जाती है। तो महानगर पालिका ने ऐसा ही उपक्रम किया है, यहां महानगर पालिका इस अंतर्गत RRR सेंटर खोलेगी, वहां फिर RRR सेंटर से वो कचरा जो है जो रिसाइकिलेबल है वो उस कचरे को वहां से संबंधित एनजीओ या जिन एनजीओ को महानगर पालिका नियुक्त करने वाली उन एनजीओ या फिर महिला बचत गट उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे सेंटर ऐसी कंपनियां जो रिसाइकिलिंग करती है उनको दिया जाएगा और वो उससे कहीं ना कहीं कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स तैयार होने की आशा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम भी ये आह्वान करना चाहेंगे कि ऐसी जब कभी आपको अपने घरों में ऐसी वस्तु दिखाई दे कि वो रीयूज हो सकती है, वो जरूर इन सेंटर पर पहुंचाए या महानगर पालिका की संबंधित आपके विभाग के नजदीकी अधिकारी से कॉन्टेक्ट करें, उनको बोले हमारे पास इस तरह की चीजें हैं, वो खुद आएंगे अलग करेंगे लेके जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे वीडियो में देखिए आयुक्त ने क्या कुछ काम। नमस्कार। योजना मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर या टैगलाइन अंतर्गत अपन RRR म्हणजे रिड्यूस, रीयूज आणि रिसायकल या तीन आरचा फायदा घेऊन जे वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील व्यक्ती आहेत, कुटुंब प्रमुख आहेत किंवा स्त्रिया आहेत, यांच्याकडनं त्यांच्या घरातील निरुपयोगी वस्तू, मग कापड असतील, कागद असतील, चप्पल्स असतील, कोणतीही वस्तू ते आम्ही स्वतः कलेक्ट करणार आहोत आणि त्या कलेक्शन करता आम्ही महिला बचत गट तसंच NGOs यांच्या माध्यमातून घरोघरी जाण्याची सुद्धा व्यवस्था केलेली आहे। त्याचप्रमाणे 10 सेंटर्स देखील आम्ही हे सुरू केलेले आहेत, ज्या ठिकाणी नागरिक त्यांच्या घरातल्या निरुपयोगी वस्तू ज्या त्या कचऱ्यामध्ये टाकणार होते ते आमच्याकडे जमा केल्यास त्याचं रिसायकलिंग करून त्याच्या नवीन नवीन वस्तू तयार करून NGO असतील किंवा महिला बचत गट असतील का जो कलेक्ट करणारा असेल तर ही व्यक्ती त्या रियूज केलेल्या वस्तू विकून त्यांना एक प्रकारचं स्वयंरोजगाराचं चांगलं साधन निर्माण होऊ शकतं आहे। याकरता आम्ही काही जे निरुपयोगी वस्तू किंवा किंबहुना आपण भंगार म्हणतो असे गोळा करणारे व्यक्ती देखील आम्ही एम्पॅनल करतो आहे। त्याच्यानंतर या पालघर जिल्ह्यातले वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रातले काही रिसायकलिंग करणाऱ्या ज्या काही कंपनीज आहेत त्या देखील आम्ही ऑनबोर्ड करतो आहे, जेणेकरून हे जे मटेरियल आम्ही दारोदारी घरोघरी जाऊन कलेक्ट करतो आहे आमच्या कलेक्शन सेंटरवर आम्हाला कलेक्ट होणार आहे, त्याचा या कंपनीच्या माध्यमातून नवीन वस्तू तयार करून महिला बचत गट असतील किंवा NGOs असतील त्यांना एक प्रकारचं उत्पन्नाचं वेगळं साधन तयार होणार आहे आणि डंपिंग ग्राउंडवर जाणारा कचरा देखील काही प्रमाणात कमी होणार आहे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर